क्योंकि शो देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम सोचते हैं कि आई होप इसका नेक्स्ट सीजन या नेक्स्ट मूवी आए, क्योंकि उन सब में खास बात यह होती है कि स्टोरी टेलिंग, उनकी स्टोरी टेलिंग इस तरह हमें अपनी दुनिया में ले जाती है कि वापस हमें अपनी शो में दुनिया में आने की दिल ही नहीं करता। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की ऐसी फार मूवीज़ की, एटलीस्ट जिनके चार मूवीज़ की कंटिन्यू सीरीज हमें देखने को मिलेगी, जिन्हें देखने के बाद आप अपनी आँखें खुली की खुली रह जाएगी और आप जरूर बोलोगे कि हमसे ये मूवीज मिस कैसे होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर डेली विजिट करते हो, चैनल के वीडियोस भी देखते हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पर आती है हमारी अमेरिकन पाई। अमेरिकन पाई एक अडल्ट ड्रामा कॉमेडी मूवीज की सीरीज जिसके आपको टोटल चार मूवीज की फ्रेंचाइज देखने को मिलेगी, जिनमें पांच दोस्त मिलकर किस तरह अपनी लाइफ के अडल्ट लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं सब कुछ देखने को मिलेगा। मूवी में आपको बहुत से इंटीमेट सीन्स देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल और दिल में शाप छोड़ जाने में एकदम पत। नेक्स्ट हमें नंबर 8 पर देखने को मिलती है जॉन विक। जॉन विक एक एक्शन क्राइम मूवी सीरीज जिसमें आपको केनो रीव्स मेन लीड में और स्टोरी फॉलो करती है जॉनी जॉन के पेट की डेथ। अब पूरी मूवी सीरीज में आपको क्या होता है ये आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका हर सिंगल सीन भी स्पॉइलर से कम नहीं है। पूरी मूवीज की सीरीज में आपको एक्शन सस्पेंस और कई जगह पर दिल को हिला देने वाले एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। 7 पर आते हैं मेरे पायरेट्स ऑफ क्रेबियन। पायरेट्स ऑफ क्रेबियन पांच मूवीज की सीरीज जिसमें आपको मेन लीड में जॉनी डीप समुद्र लुटेरे का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। हर मूवीज नई कहानी की शुरुआत से होती है, बस थोड़ी सी ओल्ड मूवी से इंटरलेट करती है। पार्ट को आप कोई भी पार्ट इसका उठा के देख लो, हर पार्ट आपको अलग देखने को मिलेगा। पूरी मूवीज की सीरीज में आपको अक्षर सस्पेंस भर भर के देखने को मिलेगा और कुछ दिल को शार्प छोड़ जाने वाले भी सीन देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जॉनी डीप की एक्टिंग की आप फैन हो जाओगे। नंबर 6 पर आती है हमारी फास्ट एंड फ्यूरियस 8 मूवीज की फ्रेंचाइज जिसमें आपको एक फ्रेंड्स का ग्रुप देखने को मिलेगा। एक्चुअली में सब क्राइम की दुनिया के बहुत बड़े नाम है, लेकिन हर बार किसी ना किस तरह कुछ ऐसा कर वो बच निकलते हैं। पूरी मूवी से आपको कार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन से लेकर इमोशन तक सब देखने को मिलेगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये वही मूवीज की फ्रेंचाइज है जिसमें पॉल वॉकर हमें छोड़कर चले गए थे, जिसलिए ये मूवीज की फ्रेंचाइज और भी स्पेशल बन गई थी हम सभी के लिए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है नंबर 5 में ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट अपने 5 फ्रेंचाइज के साथ कहानी एक डार्क वर्ल्ड के वैम्पायर और ह्यूमन वर्ल्ड के वैम्पायर्स के, जिसमें बेला नाम की लड़की को प्यार हो जाता है पीटर नाम के लड़के से जो कि वैम्पायर है। पूरी स्टोरी डार्क वर्ल्ड के वैम्पायर्स और बेला पीटर के प्यार और जैकब के फ्रेंडशिप के ऊपर बहुत फार मूवी है, जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मूवी में आपको काफी सस्पेंस और कमाल का एक्शन सीन देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात मूवी की डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा कमाल की है। नेक्स्ट नंबर 4 पर हमें देखने को मिलती है डीसी कॉमिक्स की बैटमैन। बैटमैन की आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, आपको पिछली वाली मूवी से ज्यादा ही अच्छे से देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात होती है कॉमिक्स मूवीज की हम उनमें से इस तरह चले जाते हैं कि उन मूवी से बाहर आने का मन ही नहीं करता। बैटमैन डीसी की लंबी फ्रेंचाइज है, आप कोई भी मूवी उठा के कभी भी देख सकते हो। हर मूवी में आपको अलग तरह का विलन और हर तरह का सस्पेंस और एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, नंबर 3 पर आती है हमारी 7 मूवीज की फ्रेंचाइज के साथ रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न एक नर बक्षियों की कहानी है जिसे देखने के लिए आपको थोड़ी सी मत जरूर करनी पड़ेगी। पूरी मूवी में आपको तरह तरह से मारे गए आदमियों के सीन देखने को मिलेंगे। किस तरह वो आदमियों को या इंसानों को मारते हैं जी आप मूवी में देखने के बाद, मतलब इस तरह डिस्टर्बिंग सा सस्पेंस है, इसे मतलब कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इस तरह से इसमें बहुतों को डेथ सिनेरियो को दिखाया गया है, मतलब एक अलग तरह की मूवी है जहां पर 7 मूवीज की एक्चुअल फ्रेंचाइज है। आप कोई भी मूवी उठा के कभी भी देख सकते हो, हर मूवी आपको अलग देखने को मिलेगी। बहुत ही फाड़ मूवी है ये। नंबर 2 पर आते हैं मेरी खुद की फेवरेट हैरी पॉटर जेके रोनल द्वारा लिखी की नोवल 8 मूवीज की कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू सीरीज के साथ कहानी है 11 साल के हैरी पॉटर के, जब वो जाता है हॉगवर्ट्स जादुई दुनिया के विद्यालय में, जहां पर मिलते हैं उसे हरमाइनी और रोनल। आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज आपको सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई मिलेगी, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर और डार्क वर्ल्ड के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से लेकर हैरी पॉटर की चल रही जिंदगी का कहानी से लेकर वोल्डेमॉर्ट की जिंदगी के कहानी तक के बीच में किस तरह हैरी पॉटर उन सबसे बच के निकलता है और किस तरह लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हर बार हैरी पॉटर से निकलने के बच के निकलने की कोशिश करता है। जो आपको मूवीज देखने और मूवीज की सीरीज देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। मतलब इस तरह की मूवीज बहुत ही कम बनती है जहां पर आपको मजिशियन और जादुई दुनिया का इस तरह से एक्सपीरियंस हो कि आप भी उस दुनिया को एक बार जाकर जीना जरूर चाहोगे। ऐसी ही है हमारी दूसरे नंबर पर रहने वाली जेके रोनल द्वारा 8 मूवीज की फ्रेंचाइज हैरी पॉटर। नंबर 1 पर आती है हमारी मार्वल स्टूडियो अवेंजर्स। सबको ही होगा जिसने अवेंजर्स अभी तक नहीं देखी। 4 पार्ट्स के साथ अवेंजर्स इस तरह हम सब पर शाप छोड़ चुके हैं कि इस मूवी को बार बार देखना चाहता है। इस मूवीज के बारे में मैं कुछ भी बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी बताया स्पॉइलर से कम नहीं होगा। जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी मैं उनको बता दूं कि आप फर्स्ट पार्ट से लेकर अभी तक जा सकते हो। इसके हर करेक्टर की आपको अलग अलग सोलो मूवीज देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही फाड़ मूवी। हर मूवी आपको अलग एक्शन अलग लेवल की एक्टिंग पर लेकर जरूर जाएगी। मतलब अवेंजर्स मार्वल स्टूडियो की इस तरह की मूवी है कि मतलब अभी भी इसके नेक्स्ट पार्ट पर कब आएंगे ये देखने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा।
भाई आज की बस वो टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज की सीरीज, जिसे देखने के बाद जरूर कहोगे कि ये मूवी से हमसे रह कैसे गई। हर मूवी आपको अलग दुनिया में ले जाने के लिए काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, और मूवीज की लिस्ट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।